ओ दोस्तों, मैं अब कुलीचड़ी में खड़ा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी फुटक है, तो इसमें मैं पट्टे बटूंगा। तो आप लोग देखें कि यह कितनी प्यारी यहाँ पर लोकेशन बन रही है। तो इसमें देखें घास बहुत है। इसमें मैं आपको बढ़ते हुए अपनी वीडियो नहीं दिखा सकता, क्योंकि घास की वजह से वीडियो नहीं बनेगी। क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मेरे साथ कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को फिर रोक कर पट्ठे बढ़ूँगा। जब मैं बाहर निकालूंगा पट्ठे, फिर मैं पट्ठे के आगे से पुरुमड़ियाँ बढ़ूँगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मुझे अब काली है क्योंकि मुझे देर बहुत हो रही है, इसलिए मैं इन पट्ठों को पहले बढ़ लेता हूँ, बाद में फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। वो मैं आ गया। आए तो अब हम अपनी खोती खोलते हैं। पट्ठे मैंने सारे काट लिए हैं, तो अब हम खोती खोलेंगे और खोती में कार पट्ठे ला के जाएंगे। वहाँ पर मेरी खोती बजी हुई है। आप लोग को जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि कहाँ पर मेरी खोती बजी है और क्या सब कुछ है। आए तो चलते हैं खोती के पास। जब तक हम खोती के पास जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा हमारा गांव का सीन चेक कर लीजिए। बस इतना ही देखिए, क्योंकि हमारी खोती आ चुकी है और हम अपने खोती को खोलेंगे और इसके ऊपर पट्ठे रखेंगे और लेकर चले जाएंगे। ओ माय गॉड, वेरी डेंजरस मामला हो चुका था यहाँ पर। रुको, यहाँ पर ये है मेरी खोती, प्यारी प्यारी सोनी सोनी मुनी मुनी खोती। अब मैं इसे खोलता हूँ, 2 मिनट में वीडियो को स्टॉप करूँगा। हाँ तो दोस्तों, बात ऐसे है कि मैंने अपनी खोती को खोल लिया है। अब मैं आपको अपनी खोती के साथ ये देखें, वाव, उसमें और मुझ में कोई फ़र्क है? बहुत ज़्यादा है। मैं इंसान हूँ, वो जानवर है, लेकिन आपको जो कुछ समझे आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ पेंडू और पेंडू हमेशा ऐसे ही रहते हैं। अगर आपको मेरी उर्दू नहीं पसंद आ रही तो आप माइंड मत कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ 7 ही पढ़ा हूँ और 7 के आगे मैं स्कूल लेने गया हूँ, जिसकी वजह से मुझे आधी उर्दू आधी पंजाबी बोलनी आती है। कई बार मैं पूरी उर्दू भी बोल देता हूँ। चलो कोई बात भी नहीं, जैसा भी है गुजारा तो हो ही रहा है। लेकिन अब आप देखते जाएं कि अब हम लोग जा रहे हैं अपनी पट्ठों की तरफ, जहाँ पर मैंने इकट्ठे किए हैं, बाहर निकाले हैं। वहाँ पर हम लोग अपने पट्ठे झुकेंगे और अपने घर को जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने पट्ठे बाहर निकाल लिए हैं पहले से, और यहाँ पर आप देखें कि मैंने 2 फेरे इन पट्ठों के निकाले हैं और एक पूरा वो वहाँ चढ़ने के ऊपर पड़ा हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अब इनको, ये देख सकते हैं आप, ये कितने लंबे हैं। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि इन्हें कहाँ से काटना है और अब ये मेरे चरने में कैसे आ जाएंगे, इनकी तरह जैसे पहले छोटे पट्टे हैं। इनको हम लोग काटेंगे यहाँ से सीधा सीधा काटेंगे, इतने पट्टे और इतने पट्टे तकरीबन अध से, तो वो हम लोग काट के इसके ऊपर सुट लेंगे
और हम लोग इन्हें बांधेंगे, और ये रही मेरी हीरोइन, ये रही खोती, इसके ऊपर हम लोग रखेंगे और ले जाएंगे। अच्छा तो फिर मैं ज़रा इन पट्टों को वढ़ लूँ, क्योंकि पापा मेरे थोड़े से मास्टरमाइंड हैं, तो वो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहीं भी नहीं आए, वो भी मेरे ख्याल से घर से ही निकले होंगे। और जब मैं सारे पट्टे ऊपर पालूँगा, मेरे पापा तब आएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा कामा है और पट्टे काट लेगा। तो मैं अब अपना काम करता हूँ, क्योंकि पापा को तो अपने को पता है कि मेरा बेटा सब कुछ काम कर लेगा, और मैं जाकर पट्टे खोती को ऊपर खाऊंगा और ले आऊंगा, क्योंकि सारा काम मुझे ही सौंप दिया गया है, यही समझ लीजिए। मेरे पापा तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। चलो मैं उतनी देर अपना काम कर लूँ, क्योंकि पापा बाद में गुस्से भी होते हैं। अच्छा फिर मैं अपना काम कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, गल इंज है कि मैंने पट्टे वढ़ लिए हैं, देखें इधर से लेकर मैंने इतने इतने पट्टे वढ़ लिए हैं, और मैं इसको ऊपर डालूंगा और फिर मैं घर को चला जाऊंगा। हाँ तो अब मेरे आ चुके हैं, अब मेरे जब मैंने सारे पट्टे ऊपर पा पू लिए, जब मैंने बस बांधने के रह गए थे तब आए थे। आप लोग देख सकते हैं, अब वो पट्टे फाड़ के खड़ रहे हैं। उनका नाम साबिर हुसैन है, आपको मैं दिखाता हूँ अपने बुजी को, वो देख सकते हैं आप। ये चार इन पट्टों को हम दोनों ने अकेले ही उठाया है, ये बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन हम लोगों ने सर अंजाम दे लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस खोती के ऊपर कैसे पट्टे लदे हुए हैं, और खोती चलते जा रही है। और अब हम लोग जब घर में जाकर पट्टे फेंकेंगे, तो तब आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि रास्ते में चीकर बहुत जगह है जहाँ पर खोती गिर भी सकती है, हमें उसे काबू करना पड़ेगा कहीं गिर ना जाए। इधर नहीं सुट रही है, ये मेरा हाथ लग गया, नहीं तुझे सुट लो। ये है मेरे पापा, हाँ तो हमारा आज का व्लॉग ख़त्म हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे अगले व्लॉग करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।